अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रायल के लिए मंगलवार से पंजीकरण शुरू हो गए। कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने सबसे पहले अपना पंजीकरण किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने मेडिकल कॉलेज को कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए परीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। 14 से होगा कोवैक्सीन का परीक्षण। भारत बायोटेक में निर्मित कोरोना वायरस के टीके कोवैक्सीन का परीक्षण 14 नवंबर से शुरू होगा। इसके लिए 1000 स्वयंसेवक का पंजीकरण होना है। पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए कुलपति ने लोगों से अपील की है इस वैक्सीन ट्रायल के लिए आगे आए। आना जाने का खर्च भी दिया जाएगा। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। अभी तक के ट्रायल में 90% परिणाम सकारात्मक आए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शाहिद अली सिद्दीकी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को फोन भी आने शुरू हो गए हैं। जितने रजिस्ट्रेशन हो गए उनमें से वैक्सीन के मानक पर खरे उतरने वाले 1000 लोगों का चयन किया जाएगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।